हेलो एंड नमस्कार टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकंड हु आर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुड़िया आपको एक कोरोना वायरस का एक से रिलेटेड एक मैसेज देना चाहती है, तो पहले आप वो मैसेज सुन लीजिए। गुड मॉर्निंग दीदी भैया, स्टे होम स्टे सेफ। आप जब भी घर से बाहर जाएं मास्क का उपयोग ज़रूर करें। थैंक यू। हाँ तो बच्चों, मैसेज आपने सुन ही लिया है, जब भी घर से बाहर निकलें तो आप मास्क का उपयोग ज़रूर करें। हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम पहले भी पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसमें जो अपनी ओरल कैविटी होती है उसमें प्रेजेंट होती हैं सेलिवरी ग्लैंड्स, फिर ओरल कैविटी में ही प्रेजेंट होती है टंग, और टंग के नेक्स्ट यहाँ पर ये अपना फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, और ये है एपिग्लॉटिस, जो हमारा ट्रेकिया है उसको जब हम फूड को स्वेलो करते हैं तो उसको ये ढक देता है, ताकि जो हमारा फूड है वो ट्रेकिया के अंदर ना जाए। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ईसोफेगस, ये लीवर है, ये स्टमक है, और स्टमक के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, वो अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और ये स्टमक के आगे ये प्रेजेंट होती है ड्यूडिनम, और ये अपने स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होती है। दिस इज़ पेनक्रियास, दिस इज़ गॉल ब्लैडर, और ये जो गॉल ब्लैडर है उसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो लीवर के द्वारा सिक्रीट किए गए बाइल जूस को ये स्टोर करके रखता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ये जो आउटर ये दिख रही है आपको, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये लास्ट में है एनस। तो जो ह्यूमन की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कंप्लीट होती है, दैट मींस ये माउथ से स्टार्ट होकर के ये एनस तक के जाती है, एनस तक ये लॉन्ग होती है। ये तो एक इंट्रोडक्टरी हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इससे पहले का हमने कंप्लीट कर लिया है, और आई थिंक आई होप कि आपको वो माइंड में अभी होगा। तो जो डाइजेशन हमारा होता है उसको मेनली चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसके चार पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है अपना इंजेशन होता है, दैट इज़ हम फूड को कैसे अंदर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जो फूड है उसको मैकेनिकली उसको तोड़ा जाता है, ब्रेकडाउन किया जाता है, और उसमें अनेक केमिकल्स जैसे एंजाइम्स मिलते हैं जो फूड का ब्रेकडाउन करते हैं। फिर है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, और जो लास्ट पार्ट है वो है जो हमारा इनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालना। तो हमारा जो डाइजेशन है वो माउथ से अपने स्टार्ट होता है, माउथ हमारा पहला ऑर्गन होता है जहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट होता है, और माउथ में हम पहले पढ़ चुके हैं सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो सलाइवा सिक्रीट करती हैं, और उस सलाइवा में 99.5% वाटर प्रेजेंट होता है, और उस वाटर के अलावा इसमें प्रेजेंट होते हैं म्यूकस, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, और दो इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज़ अमाइलेज एंड सेकंड वन इज़ लाइपेज, और उस लाइपेज को हम लिंगुअल लाइपेज कहते हैं, लिंगुअल लाइपेज भी कहते हैं। लिंगुअल मीन्स रिलेटेड टू टंग, एंड होता है इसमें लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने का काम करता है। मीन्स जैसे अगर हमारे फूड में कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसको माउथ में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और ये जो लाइसोजाइम है ये इम्पॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर है जो सलाइवा की पीएच होती है वो 6.2 से 7.4 तक ये वेरी करती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो सलाइवा होती है वो केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करती है, फैट का डाइजेशन बहुत कम मात्रा में होता है, और कार्बोहाइड्रेट का भी कितना परसेंट डाइजेशन होता है माउथ में ओरल कैविटी में, ओनली 5% डाइजेशन होता है माउथ में। और जो माउथ में सलाइवा के साथ भोजन मिक्स होकर के एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे हम एक मास बना लेता है जिसे हम बोलस कहते हैं, और ये जो बोलस है वो ईसोफेगस में आगे प्रवेश करता है। ये हम देखते हैं एक्शंस ऑफ सेलिवरी एंजाइम्स।
जो अमाइलेज है, सलिवरी अमाइलेज एंजाइम है, वो मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, और जो स्टार्च होती है वो एक कार्बोहाइड्रेट होती है। स्टार्च में प्रेजेंट होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज, ये है स्टार्च और ये लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज है, मीन जो स्टार्च होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है। स्टार्च को सलिवरी अमाइलेज की हेल्प से इसको ब्रेक डाउन किया जाता है, और ये देख रहे हैं आप ये माल्टोज G4 ग्लूकोज, ये मीन्स इसको छोटे छोटे टुकड़ों में सलिवरी अमाइलेज के द्वारा तोड़ दिया गया है। और नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है लाइपेज, और लाइपेज जो है वो फैट का डाइजेशन करता है। यह है एक फैट का मॉलिक्यूल, ये इसमें ग्लिसरॉल है इधर और ये है फैटी एसिड, तो ये फैट का एक मॉलिक्यूल है जिसको तोड़ करके क्या बना दिया गया है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। और वो किसके एक्शन से हुआ है, लिंगुअल लाइपेज के एक्शन से ये जो फैट का बड़ा मॉलिक्यूल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है ईसोफेगस, जो भोजन जो ओरल कैविटी में एक बोलस का जिसने रूप ले लिया है, बोलस के रूप में जो कन्वर्ट हो गया है, वो आगे एंटर करता है ईसोफेगस में। और जो ईसोफेगस है हमारी, वो एक ट्यूब के जैसी स्ट्रक्चर है, जैसा हम पहले देख चुके हैं, ये जो ईसोफेगस है इट इज़ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये एक ट्यूब के समान संरचना है ईसोफेगस। और ये जो ईसोफेगस है इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, ह्यूमन की ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं होता, ये केवल इसको पास करने के काम आती है, और इसमें केवल म्यूकस सिक्रीट होता है। और इसकी जो लेंथ होती है वो अराउंड 25 सेंटीमीटर होती है, वो अराउंड 25 सेंटीमीटर होती है। और ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि जो ईसोफेगस की लेंथ होती है वो कितनी, एक जनरल सा एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन केवल आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए या आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए ये भी पूछा जा सकता है ईसोफेगस की लेंथ कितनी होती है। तो ये अपने आपके कोई BSc के एग्जामिनेशन में पूछे जाने लायक क्वेश्चन नहीं है, बट जस्ट आपके माइंड में ये होना चाहिए। ईसोफेगस में जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो एक वेव लाइक, जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाइलसिस, वो एक क्रिएट करती हैं, और वो एक इनवॉल्यूंट्री रिफ्लेक्स होता है, मींस हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, जो केवल भोजन को आगे फॉरवर्ड करने के काम आती है। और ईसोफेगस का जो वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन है, मींस पेरिस्टाइलसिस है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और जो ऑटोनॉमिक नर्व, वो जो फाइबर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मायंट्रिक प्लेक्सस या ऑर्बेक्स प्लेक्सस, और ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ मायंट्रिक प्लेक्सस। और ये जो मायंट्रिक प्लेक्सस होती हैं वो ईसोफेगस की जो मस्क्यूलरिस लेयर है, और दोनों जो मस्क्यूलरिस लेयर है उनमें प्रेजेंट होती हैं। और ईसोफेगस में फूड को बोलस कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जो ईसोफेगस है वो गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की ऐसी पहला ऑर्गन है, फर्स्ट पोर्शन है, जिसमें हमारी जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी चारों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो चारों लेयर्स हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, आपको इन चारों लेयर्स के नाम ध्यान होने चाहिए। इनमें फर्स्ट जो लेयर है वो है म्यूकोसा, सेकेंड जो लेयर है वो है सब म्यूकोसा, देखा जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं, जो म्यूकोसा फर्स्ट जो लेयर है म्यूकोसा, मीन्स ये जो म्यूकोसा होती है इनर मोस्ट होती है, हमारी जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है उसमें सबसे अंदर की ओर म्यूकोसा प्रेजेंट होती है। म्यूकोसा के बाहर प्रेजेंट होती है सब म्यूकोसा, जो म्यूकोसा के आउटर की ओर प्रेजेंट होती है। ये जो सीरीज है म्यूकोसा से स्टार्ट होके ये इनर टू आउटर है, म्यूकोसा हो गई, सब म्यूकोसा हो गई, और फिर है मस्क्यूलरिस लेयर। मस्क्यूलरिस जो लेयर हैं उनमें दो तरह की मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल्स, ये देखिए आप सर्कुलर मसल्स, और दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। सर्कुलर मसल्स में जो मसल्स हैं वो सर्कल्स के रूप में राउंड शेप में प्रेजेंट होती हैं, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो यूँ प्रेजेंट होती हैं, और सर्कुलर मसल्स यूँ प्रेजेंट होंगी ऐसे।
समझ रहे हैं आप? सर्कुलर मसल्स राउंड शेप में प्रेजेंट होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऐसी लॉन्ग ऐसे प्रेजेंट होती हैं। तो दो तरह की मसल्स हो गई, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। जो सर्कुलर मसल्स होती हैं वो अंदर की ओर प्रेजेंट होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बाहर की ओर प्रेजेंट होती हैं। फिर इनका जो आउटर मोस्ट जो है उसे हम कहते हैं लेयर को सिरोसा। हो गई हैं चार लेयर। फर्स्ट जो इनर मोस्ट हैं वो है म्यूकोसा, सेकंड सब म्यूकोसा, थर्ड है हमारी मस्कुलर लेयर। और मस्कुलर लेयर भी दो तरह की हो गई है, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो है सिरोसा। इस तरह ये चार लेयर होती हैं हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, और ये आपको माइंड में ध्यान में रखनी है, आपको याद रखनी है। ये आपके डायग्राम है ईसोफेगस का, हमारी ईसोफेगस का डायग्राम है कि जो बोलस बना है ओरल कैविटी में वो कैसे आगे पास होता है। उस वेव को हम कहते हैं पेरिस्टेल्सिस, जिसके द्वारा जो बोलस है वो आगे पास होता जाता है। और ये एक हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसकी वजह से ये होता है, जिसे हम मायंट्रिक प्लेक्सस, जैसा हम पहले पढ़े हैं मायंट्रिक प्लेक्सस या फिर ऑरबिक प्लेक्सस उसको हम कहते हैं। और ईसोफेगस में कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओनली ईसोफेगस में म्यूकस सिक्रीट किया जाता है जो भोजन को आगे बढ़ाने के काम आता है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, और ये हमारा कंप्लीट हो गया है डाइजेशन इन माउथ। आप इसको अच्छे से पढ़ें और इसको अच्छे से लर्न करें। थैंक यू।